अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहने तो हमें बता दो। बीजेपी के लोग 33% लड़ाए ना लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। इसी साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल का दांव चल दिया, जिसके बाद से ये सवाल शुरू हो गए कि क्या मोदी सरकार ने इस दांव से 5 राज्यों के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद समूचा विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री मोदी के दांव में फंस गया है। वहीं विपक्ष के निशाने से सरकार को बचाते हुए मोदी सरकार ने एहतियातन महिला आरक्षण विधेयक को 2029 से लागू करने की बात कही थी। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के महिला आरक्षण दांव की काट निकालते हुए बीजेपी से एक कदम आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव में महिलाओं को 20% टिकट देने का ऐलान कर दिया है। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहने तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी माँ बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए ना लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। दरअसल बुधवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के प्रवास पर थे, जहां आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान रीवा में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बीजेपी ने लोकसभा में तस्वीर दिखाई, नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अभी सूची जारी की है। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने 33% माताओं बहनों को टिकट दिया हो तो बता दो। बीजेपी के लोग 33% महिलाओं को चुनाव लड़ाएं या ना लड़ाएं, सपा 20% महिलाओं को टिकट देगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 33% आरक्षण का सपना ना जाने कब पूरा होगा। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहने तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी माँ बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए ना लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। आपको बता दें कि 20 सितंबर को नई संसद लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस विधेयक का विरोध ये कहते हुए किया था ये बिल लागू नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, भाजपा पर हमलावर होते हुए अखिलेश ने तीखे शब्दों में कहा था कि नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू की है।